अमेठी में मजदूरों की मुश्किलें थमने का नहीं ले रही हैं। नाम ईंट भट्टे पर काम करने वाले उड़ीसा प्रांत के लोगों को भट्टा मालिक ने बिना हिसाब किए हुए ट्रक से भिजवाया उनके घर। पैदल ही संबंधित थाने पर अपनी फरियाद लेकर जाने के लिए निकले मजदूर जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के कपूरीपुर पूरब गांव स्थित दीपक विक्रय फील्ड का है मामला। ट्रेन जुगाड़ कर रहे हैं, ट्रक जुगाड़ कर रहे हैं, बस जुगाड़ कर रहे हैं, ऐसे रोड में जाता है ट्रक, उसको बोलता है कि इसी में चले जाओ ना, ऐसे बोलते थे। अमेठी के जायस में नगर पालिका जायस के कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। कर्मचारियों ने नगर पालिका के अध्यक्ष महेश प्रताप सोनकर पर हस्ताक्षर न करने का लगाया आरोप। रमजान के पहले किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद SDM तिलोई ने ईद के पहले मानदेय मिलने का दिलाया था आश्वासन। कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी तिलोई, जिलाधिकारी अमेठी व अपर जिलाधिकारी को लिखित रूप से दिया था ज्ञापन। कार्य बंद कर सभी कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर शुरू किया धरना प्रदर्शन। 4 दिन के अंदर ये हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो जलापूर्ति ठप कर दी जाएगी, हमारे कर्मचारियों का कहना है। सुल्तानपुर में समाज सेवक अखिलेश सिंह पर्वत ने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह सेवा फाउंडेशन के द्वारा सेवा भाव के 50वें दिन क्षेत्र के बीसापुर और केनौरा गांव में 8 अत्यंत गरीब परिवारों को राशन किट उपलब्ध कराया। लगातार 85 दिनों से जिले के अलग अलग गांवों में परिवारों को मास्क, सैनिटाइजर व राशन किट कर रहे हैं वितरित, लोगों ने की प्रशंसा। अमेठी नगर में मास्क न लगाने वालों पर सख्त हुई पुलिस। क्षेत्राधिकारी पीयूष कांत राय व उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में चलाया गया चेकिंग अभियान। 2 दर्जन से अधिक लोगों का किया गया चालान। अमेठी कस्बे के गांधी चौक पर पुलिस ने चलाया अभियान। बिना मास्क के चलने वाले लोग या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले या बाइक पे 2 लोग बैठे हों बिना हेलमेट और बिना मास्क के, तो इन लोगों के लिए एक निरोधात्मक कार्रवाई के रूप में चालान और समन शुल्क वसूलने का कार्य किया जा रहा था। सुल्तानपुर जिले में मिले 8 और नए कोरोना मरीज। अब तक कुल 129 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CBN त्रिपाठी ने की पुष्टि। सुल्तानपुर जिले के रहने वाले एक शख्स की 1.5 माह पूर्व सऊदी अरब के रियाद में हुई थी मौत। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। 4 साल पहले कमाने के लिए सऊदी गया था युवक। पति की मौत से पत्नी, माँ व 4 बच्चों का हुआ बुरा हाल। अपने वतन की मिट्टी में अंतिम संस्कार कराना चाहता है परिवार। शव भारत लाने के लिए बताया गया 2.5 लाख रुपए का खर्च। भूख और बेचारगी से जूझ रही पत्नी ने सांसद मेनका गांधी व DMC इंदुमती से लगाई मदद की गुहार। कादीपुर नगर में अनलॉक 1 में सोशल डिस्टेंस व नियमों का अनुपालन हेतु स्थलीय निरीक्षण करने निकले क्षेत्राधिकारी सुरेंद्र कुमार व उप जिलाधिकारी महेंद्र कुमार। लोगों को सोशल डिस्टेंस बरकरार रखते हुए मास्क लगाने के दिए निर्देश। व्यापारियों से बगैर मास्क लगाए हुए किसी उपभोक्ता को कोई भी सामग्री न देने की करी अपील। नियमों का अनुपालन न करने पर लगेगा जुर्माना। सच्चाई वही जो हम बताएं।